जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करा मुझे लगता था ये वर्दी मेरी आन है, ये वर्दी मेरी शान है और इस वर्दी के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन इस वर्दी को पहन के हर डर हर सिचुएशन में मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज जो लोगों का तानाशाही है, जो रवैया रहा है, वकीलों ने जिस तरह से कोर्ट में, और सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, इससे पहले भी टाइम टू टाइम ये सब होता रहा है, लेकिन उन चीज़ों को सिर्फ इग्नोर किया गया, सिर्फ दबा दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट की कोई सीनियर किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। ये तो सिर्फ एक आज हुआ है जिसकी वजह से वो जो पुराना दबा हुआ रोष है वो सब भी सामने आ रहा है, उसकी वजह से आज ये हालत है कि इस वर्दी को ही पहनने में मुझे डर लग रहा है। हम अपने हस्बैंड को घर से निकाल रहे हैं, अगर वही सेफ नहीं है, उन्हीं को आम लोग जिनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, वही जब पीटे जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी है, क्यों निकाले हम? पुलिस जो आज कर रही है वो ड्रामा है, वो अपने स्किन सेविंग के लिए कर रही है। एक तो उन्होंने शनिवार को जाति की, शनिवार को उन्होंने लाठियां बरसाई, चैम्बर तोड़े और उससे भी शांति उनको नहीं मिली तो उन्होंने गोली चलाई सीने में, एक की उंगली कट गई, एक के पाँव पे सीरियस चोट है और उस चीज़ को छिपाने के लिए आज ये कर रहे हैं। न्यायिक जांच का आदेश हो गया है, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, सीबीआई, आईबी और विजिलेंस को लगाया गया है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए।